फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी यानी आधारभूत, और थ्योरम, थ्योरम किसे बोलते हैं आप लोगों को पता है, थ्योरम इज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूवन टू बी ट्रू बेस्ड ऑन नोन फैक्ट्स। मतलब ऐसा स्टेटमेंट जिसको सही साबित किया जा सकता है नोन फैक्ट्स के आधार पे, जो सच्चाई हम जानते हैं उसके आधार पे उसका इस्तेमाल करके किसी स्टेटमेंट को अगर हम सही साबित करते हैं तो वो स्टेटमेंट थ्योरम कहलाता है। और लास्ट है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का मतलब होता है हिसाब यानी अंकगणित, जो कि रिलेटेड टू नंबर्स है। अरिथमेटिक मीन्स रिलेटेड टू नंबर्स। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है क्या, उसको जानने के लिए एक दो एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल है 4 equals 2 into 2, इसी तरह 253 equals 11 into 23। तो इससे हम कह सकते हैं कि किसी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में दिखाया जा सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 32760, और इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये देखिए 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करके देखते हैं तो ये हो जाएगा 16380। फिर ये 2 से डिविजिबल है, फिर करते हैं 8190, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 4095। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिविजिबल है, 3 से करते हैं 1365, फिर 3 से हो जाएगा 455। और अब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो 5 9 45 और 1 91 आया। ये 91 जो है ये 5 से डिविजिबल नहीं है, 7 से हो जाएगा, 7 13 91। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 32760 equals 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 13, ठीक है। और इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहें यानी पावर्स के रूप में, प्राइम फैक्टर्स के पावर के रूप में, तो 2 का पावर 3 यानी 2 क्यूब हो जाएगा, इंटू 3 दो बार है देखिए, 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो आप देख सकते हैं ये कंपोजिट नंबर था और इसको हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिए, या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के पावर के रूप में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यही हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें थोड़ा सा और आगे जानते हैं, क्लास 10th थ्योरम 1.2 में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को डिफाइन किया गया है इस तरह से, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। मतलब ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर यानी जितना भी कंपोजिट नंबर हमारे पास है उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में, और हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, मतलब उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन के जैसा किसी और का नहीं होगा। ये हो सकता है कि प्राइम नंबर्स के फैक्टर का जो ऑर्डर होगा वो चेंज हो सकता है, जैसे 210, ठीक है। इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में इस तरह से 2 into 3 into 5 into 7, ठीक है। फिर से 210 को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें यानी इन सभी नंबर्स का जो ऑर्डर होगा, है ना, ये 3 into 5 into 7 into 2 भी हो सकता है, या फिर 5 into 7 into 3 into 2 भी हो सकता है, या कोई भी ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि जो हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी कंपोजिट नंबर को, तो हमेशा यूनिक होगा,
देखिए ये सारा जो हमने अभी किया है इसमें आप देखेंगे कि 210 का जो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है यूनिक है ना, मतलब 210 को यही नंबर रिप्रेजेंट करेगा, एक्सप्रेस करेगा, और कोई नंबर नहीं कर सकता है, भले इसका ऑर्डर अलग हो जाए, है ना, जिस तरह से यहाँ यहाँ हुआ है। अब जैसे 110 है, इसको हम लोग अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, ये अलग हो जाएगा, 2 × 11 × 5, और इसके ऑर्डर को चेंज भी हो सकता है, लेकिन यही सारा नंबर हमेशा अगर हम 110 को रिप्रेजेंट करेंगे तो यही तीनों नंबर आपको बार बार देखने को मिलेगा, ठीक है, भले ऑर्डर इसका अलग हो जाए। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को यूनिक बोलते हैं। इसी फैक्ट को हम लोग इस तरह से जानते हैं, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। वही बात जो मैंने आपको अभी बताया है कि जितना भी नेचुरल नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होगा, कि अगर 55 को 5 × 11 ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट किसी और नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, 55 के लिए यही नंबर्स हमेशा रहेगा, इसीलिए यूनिक कहते हैं। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक हैज़ मेनली टू एप्लीकेशंस, मतलब कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक का हम लोग दो इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर यही दो इस्तेमाल होता है। पहला है टू प्रूव द इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स सच एज √2, √3, √5, √7, मीन्स ये जो रूट में जो नंबर्स है ये इरेशनल होगा, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो यूज़ है वो है टू एक्सप्लोर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब कि किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसको पता करने के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक का इस्तेमाल करते हैं। तो यही टू मेन एप्लीकेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक का। आई होप कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से क्लास 10th के किसी भी टॉपिक को आसानी से समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।